चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ अ 0.1% इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेचिंग द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखो परसेंटेज जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ है, वो परसेंटेज एरर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद करो। ठीक है, तो उसी को रिलेटिव एरर होता है एक, और उसका वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो परसेंटेज एरर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे चेंज होगा, लेंथ के साथ और रेडियस के साथ कैसे चेंज होता है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एल से मल्टीप्लाई करूं और इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए से, एरिया क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करूं, तो ये रिलेशन कैसा बनेगा। आर इज इक्वल टू रो इनटू ये एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए इनटू एल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो L इंटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये देखो जरा एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे एक वायर है, ये वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो A इंटू L क्या होगा, वॉल्यूम ही तो होगा, A इंटू L वॉल्यूम होगा। तो ये रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इधर क्या होगा, ए ए क्या होता है, ए पाई आर स्क्वायर होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। तो अगर ये वैल्यू यहां रखी जाएगी तो आर इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम हो गया, ये वाला ऊपर वाला वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर फोर। अब देखो जरा वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट होगा, स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू, और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हुआ यहां पर इस केस में, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पे पावर 4 हुआ। इस लॉजिक से क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ स्ट्रेच करके इंक्रीज कर रहे हैं 0.1%। ठीक है, तो इसको आप रिलेटिव एरर के टर्म में आप ऐसे लिखोगे डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये लिखोगे, और परसेंटेज एरर में डेल्टा आर अपॉन आर परसेंटेज इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल परसेंटेज, परसेंटेज सिंबल बना दे ठीक से। ठीक है, परसेंटेज ये हो गया। अब इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ये दिया है 0.1%, तो 2 इंटू 0.1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2%। करेक्ट है, तो ये आंसर आपका अप्रोप्रिएट हो गया, करेक्ट ना। और अगर रेडियस के टर्म में बोलेगा तो फिर आप ऐसे यूज करोगे डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा स्मॉल आर अपॉन आर, इस तरह यूज करोगे और जो डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।